ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड किए हुए हैं, पिस्ते, बादाम और देसी घी की खुशबू और एसेंस होता है। तो इनका यहाँ पे छोटा सा डाइनिंग वगैरह भी है सेटअप। वैरायटी इनके पास जो है मुख्तलिफ मिठाइयों के नाम से जो है ये फेमस है। तो ज़रा पूछते हैं, पता नहीं अंदर जाने दें नहीं दें, ज़रा मालूम करते हैं इनसे यार। अंदर चलते हैं, मालूम करते हैं, अगर परमिशन दे दी तो ठीक है, वरना और आगे बढ़ते हैं। मैकडॉनल्ड तक हम जो है ना अपने विजिट को पूरा करेंगे, तो बस आप लोग साथ साथ रहिएगा। बाहर का तो खैर हम लोग देख ही चुके हैं, इसका एक ब्लॉग मैंने बनाया था आयशा मंजिल पर, जो इनकी एक ब्रांच है ना, तो वहाँ हम लोगों ने हलवा पूरी खाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो जाके लाजमी देखिएगा। चलिए जी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, यहाँ का पूरा थोड़ा सा मैं आपको विजिट करवाता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे आइटम हैं कि जिनकी वजह से यहाँ पर आकर जो है रहा नहीं जाता, दिल जो है ललचा जाता है। तो चलिए जी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, साथ साथ रहिएगा। तो दोस्तों, ये मेन एंट्रेंस से हम लोग जो है दाखिल हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का ओवरव्यू दिखा दूँ कि इनकी दुकान का व्यू है क्या। आखिर साफ़ सुथरा माहौल है माशाल्लाह, खुशबुएँ महक रही होती हैं अंदर आओ तो, मुख्तलिफ़ किस्म की मीठी मीठी सी देसी खुशबुएँ आ रही होती हैं। तो ये कुछ यहाँ का अंदर का माहौल है, बाकी थोड़ा सा करीब से अब देखते हैं कि प्रोडक्ट्स हैं क्या। अच्छा, इनका ऑनलाइन सिस्टम वगैरह भी है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और टेस्ट करना तो यार बनता है, मतलब यहाँ पे आ रहे हैं और खाली हाथ जाएं तो ये नाइंसाफ़ी है। तो ये मुझे दिया है, ये क्या चीज़ है भाई? अखरोट हलवा जो आपके है। अखरोट हलवा है, वाह यार ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये तो मुझे बड़ा पसंद है यार। कराची इज्तिमा में जब मैं गया था ना, तो इज्तिमा गा के अंदर तो मैं बहुत बाद में गया था, मैंने दो डब्बे पहले घर के लिए पार्सल करवा लिए थे आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। तो जी मुझे हर जगह बड़ा मेरा सबसे फेवरेट रहा है, और यहाँ पे तो खैर जवाब ही नहीं है। एक एक चीज़ का फ्लेवर जो है ना मेरे मुँह में आ रहा है। ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड किए हैं, पिस्ते, बादाम और देसी घी की खुशबू, और जो एसेंस होता है पता नहीं क्या होता है, बहरहाल यहाँ पर जो उसकी खुशबू है ना, उससे इंसान का दिल खींचता है। तो मेरे ख्याल है आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा, इतना काफ़ी है। मैं इसको ख़त्म करता हूँ वीडियो बंद करके, और ये इसकी प्राइसेस अगर हमें पता चल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये कितने का है भाई, कोई बताएगा? 350। आधा किलो का है, 200 ग्राम्स का है। अच्छा, ये 350 का कोई भी इसमें से ले रहे हैं? बल्कि मैं सॉरी, मैं आपका तारुफ करवाना भूल गया। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? जिब्रान भाई, माशाल्लाह। खैर, दिल पसंद तो एक ऐसा नाम है कराची में जिसकी तारुफ मतलब इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहें अपने व्यूवर्स के लिए तो ज़रूर बताइए। जैसे कि तैयार की जाती है मिठाइयाँ, और सबसे स्पेशली हमारे हलवा जाते हैं, अखरोट हलवा। सर्दी का मौसम आ रहा है अभी, हाँ, अखरोट हलवा इस्तेमाल होगा, लोग यूज़ पसंद करते हैं। सोन हलवा स्पेशल हमारा है, हलवा जाते हैं। गाजर हलवा हमारा स्पेशल अभी हमारा, गाजर का हलवा जी बिल्कुल अभी आएगा सर्दियों में, बहुत अच्छा लोग पसंद करते हैं। क्या किलो है, रेट क्या अभी है उसके? रेट अभी नए रेट आएंगे मार्केट के हिसाब से, जो रेट लेंगे। सही है जी जी। अखरोट का हलवा मुझे बड़ा पसंद है यार, ये क्या इसके क्या रेट चल रहे हैं, क्या किलो है? 1980 रुपये किलो है। 1980 रुपये। चले जी ब्रांड भाई, बहुत शुक्रिया टाइम दिया, अब मैं जरा आपकी प्रोडक्ट्स देख लूँ। थैंक यू। अच्छा जी, तो ये बिस्किट्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, और पैकेजिंग जो है ना ये बड़ा मैटर करती है। जैसे ज़्यादातर लोग शादी ब्याह वगैरह के हवाले से या गिफ्ट आइटम के लिए ना इस तरह की चीज़ों को प्रेफर करते हैं, तो ये एक अच्छा आइटम है। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हम किसी शादी या इसके किसी इवेंट के पाबंद हों, हम इस तरह के आइटम लेकर अपनी वालदा को, अपने किसी भाई को या किसी रिश्तेदार को भी गिफ्ट कर सकते हैं भाई क्या ख्याल है दोस्तों? तो हर चीज़ के प्राइस जो है ना
थोड़े से पूछने मेरे लिए मुश्किल भी हैं और इन लोगों के लिए ये फिर इंगेज हो जाएंगे मेरी वजह से ना। तो अगर आपकी कोई प्राइस लिस्ट वगैरह है तो मुझे बता दें ताकि एक ही नज़र में हमारे पास सारे जो है ना रेट्स हों। अच्छा ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, बस ये अच्छा काम हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ये जो है ना, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो वैसे तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, हो सकता है कोई जो है एक साल बाद वीडियो देखे, लेकिन तकरीबन अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये रेट है यहाँ पर ना, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, ये जूम करके ना सारे रेट्स वगैरह आपको क्लियरली नज़र आ जाएंगे। अच्छा जी, अब आप मुझे ज़रा बताइएगा क्या नाम है इसका? चिलगोज़ा सर। चिलगोज़ा हलवा, ठीक है, और इसकी प्राइस? 2800 सर। अच्छा ये बड़ा यूनिक है यार, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, ये क्या है? ये बड़े प्यारे प्यारे स्टाइल में रखे हुए हैं। ये पिस्ता हनी बगला हुआ है, असली शहद का बना होता है सर। असली शहद का है ये, क्या है, एक पर पीस के हिसाब से या अभी केजी के हिसाब से? 2800 रुपये की। अच्छा ठीक है, और ये वाला डेट्स का है? ये सर एलोवार गलवा है, गीगावार जिसको बोलते हैं सर। अच्छा ये भी 2800 मतलब के 2800 2180, ठीक है। ये वाला सर ये खजूर गलवा है, ठीक है। ये पिस्ता पाक है? ये पिस्ता पाक है सर, ठीक है। ये पाइनएप्पल वाला कोई नया फ्लेवर लग रहा है मुझे ये। ये कितने का है? चेरी क्रंच है। चेरी क्रंच है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, और ये हलवा गोंद मखाना का होता है सर, जो सर्दी में बनाता है। जी 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 जी, ये क्या इसके क्या रेट हैं सर? ये है 1900 रुपये किलो। 1980, ठीक है जी। तो पैकेजिंग यार बड़ी खूबसूरत है यहाँ पर ना। ये पतीसा आ गया हमारा। अच्छा जी, स्टाफ बड़ा मेंटेन है इनका, कैप्स वगैरह लगे हुए हैं, ये तो मैंने दिखाया नहीं दोस्तों आप लोगों को। सबके नाम पूछेंगे ना तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे, बस वैसे ही देख लें। बाकायदा ड्रेसिंग में, प्रॉपर ड्रेसिंग में जो है सब वेलकम के लिए खड़े हुए हैं, ग्लव्स वगैरह हाथों में। ये चीज़ जो है ना बड़ी मैटर करती है, ख़ासतौर पर जो बाहर से आने वाले लोग हैं ना, वो इन चीज़ों से बड़े मुतासर हो जाते हैं। कराची में तो रहने वाला पत्थर हज़म और लकड़ हज़म वाली मिसाल है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं ना तो इस चीज़ से बड़ा मुतासर होते हैं, होना भी चाहिए यार, खाने पीने की चीज़ें ज़ाहिर है। तो ये सब जो है हम बातें भी करते रहेंगे। ये क्या है, बड़ा प्लेन प्लेन्स है जहाँ? गोल्डन कलाकन खिलाती। गोल्डन कलाकन, और ये वाली मलाई कलाकन खिलाती। अच्छा ये गोल्डन है, ये मलाई है, और ये पतीसा है बेसन का, सोन पापड़ी पतीसा खिलाती। ये क्या किलो है? ये 1480 रुपये किलो है। 1480। अच्छा ये कुछ पीछे इनके पैकेजिंग के डिज़ाइन भी लगे हैं, ये भी देख लें गिफ्ट आइटम के लिए, ज़बरदस्त है भैया। तो दोस्तों जल्दी जल्दी, अरे सर इसकी क्या तकल्लुफ़ की ज़रूरत है, बिल्कुल भी जो है ना, दोनों चीज़ें आ गई यार। चलें जी, मैं बड़े झूठे दिल से मना करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि मीठे का मैं ख़ुद कितना शौकीन हूँ। मोहम्मद ही स्वीट्स पर मैं भी लास्ट वीक गया था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने एक मीटअप किया था, तो वहाँ हम लोगों ने बड़े आइटम जो है टेस्ट किए थे, तो वो वीडियो आप देखिएगा जाकर। वहाँ के चंदन कबाब जो है ना बड़े क्लास के थे, तो वो वीडियो देख के आइडिया होगा आपको, ऐसे मैं नहीं बता रहा। तो मैं अब जल्दी से ख़त्म करता हूँ, उसके बाद आइसक्रीम भी है, आइसक्रीम बल्कि पहले जो है ट्राई कर लेते हैं वरना ये पिघल जाएगी दोस्तों। ये कौन सा फ्लेवर है सर? कैडबरी है सर। कैडबरी देखें जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी ये थोड़ा करीब से देख लें, चलें जी, बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त फ्लेवर है यार। ये चॉकलेट का पीस है ना, ये लेंगे यार। और यार ये असल में ना एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ा हूँ दोस्तों, तो आप लोग समझ लोगे मैं जानबूझ के इतना स्लो कर रहा हूँ, लेकिन एहतियात से करना पड़ता है यार, गिर ना जाए ना। वैसे इसकी प्राइस क्या है? 220। ये डबल स्कोप दिया आपने मुझे? अरे सिंगल ही दे रहे थे यार। यार दोस्तों की मोहब्बत है दोस्तों, बस मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोगों के रेफरेंस से, मैं अकेला होता तो कोई जानता भी नहीं भाई मुझे। आप लोग मोहब्बत देते हैं तो ये लोग मोहब्बत देते हैं, तो थैंक यू सो मच। अच्छा देसी घी क्या है, क्या किलो है? 2000 रुपये, ठीक है। दोस्तों ये हमने अहबाब स्वीट पर भी देखा था, आप लोगों ने अगर वीडियो देखी हो तो बिल्कुल इसी तरह के वहाँ पे जार से, तो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा, बड़ी मज़ेदार सी है वो भी। जी आप क्या फरमा रहे थे? अच्छा ये बाहर के लिए गुलाब जामुन का कितने का है?
एक के जी का? वन के जी का है? अच्छा सही है, ज़बरदस्त। और नॉर्मल जो लूज में आपके पास वो क्या के जी है? 1480 रुपये किलो है। 1480। तो ये पैक वाला एक 1000 रुपये का क्यों? ये सस्ता है ये? नहीं सर, ये खीरे के साथ लाते हैं दिन का। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चलें जी और आगे बढ़ते हैं। ओए होए, मोती चूर के लड्डू बचपन में हमने जो है ना बड़े ये खाए, माइयों में जा जाकर ना हम लोग खाते थे, जब दुल्हन दुल्हन फारिग हो जाते थे ना तो उनकी प्लेटों में से जा जाकर खाते थे दोस्तों। अब तो इसका रिवाज ही ख़त्म हो गया, अब केक वगैरह आ गए हैं। क्या ख्याल है? याद होगा आपको, ये बड़ा रंग बिरंगा सा है। ये कौन सा हलवा है? जेली बर्फ़ी, ज़बरदस्त। अच्छा ठीक, ये बड़ा वो है शौक, मतलब इसका बड़ा मस्टर्ड कलर है। ये कौन सा है? खोपरा बर्फी किला, खोपरा बर्फी। और ये आ गई हमारी रिवायती जानी पहचानी चमचम चमचम। क्लोजअप लें इसको, तो यार इसका तो थंबनेल बनाऊंगा मैं। तो ये कौन सी है? ढाका चमचम आ गई। ये पाइन एप्पल है? वो फ्लेवर है इसमें या खाली फूड कलर डाला हुआ है? पाइन एप्पल है। अच्छा, और ये वाला इसका कोई फ्लेवर है? स्ट्रॉबेरी वगैरह है या फूड कलर से? सेम है, गुलाबी चमचम के लाती है। अच्छा, गुलाबी चमचम के लाती है, ठीक है। और ये वाला बड़ा ज़बरदस्त से, आप लोगों की प्रेजेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त है यार। ये डिज़ाइनर है या कौन है अंदर बैठे हुए? कभी मौका लगा तो इंशाल्लाह अंदर भी विज़िट करेंगे, वो एक अलग ही मज़ा है। कि किस तरह से इसके प्रिपरेशन जो है ना, वो एक अलग मज़ा है दिखाने का और देखने का। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन आ गई जी हमारी। और ये ब्लैक वाली, अच्छा इन दोनों में सिर्फ टेस्ट का तो इतना फ़र्क नहीं होता ना, सिर्फ ये ज़्यादा ब्राउन होता है। ये थोड़ा देर तक इसको रखा जाता है ना चूल्हे पर, वैसे टेस्ट तो एक ही जैसा होता है मेरा ख्याल है। और ये पेड़ा? ये मिल्की पेड़ा कहलाता है। सही है, अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त, कस्टमर आर्डर देते हैं। समझ गया, बड़े खूबसूरत हैं दोस्तों, सैंपल भी होते हैं। ये सिंगल पीस भी हैं, ये फुल केजी का है। ये अक्सर लोग जो है ईद वगैरह पे देते हैं, ये अच्छा लगता है। ऑटो शादियों में भी आता है, मम्मियों में, रस्म में। जी जी, ये भी हमारे सैंपल लगे हैं। अच्छा, ये भी के लिए, ठीक है, ज़बरदस्त। ये वही हलवे वगैरह हैं जो हम वो वहाँ देख कर आ रहे हैं। अच्छा, ये है हाँ, इवेंट्स के लिए जो है। ये पैकेजिंग बड़ी खूबसूरत है, वाइट कलर का डब्बा है और फुल रेड जो है ना नेट का। अच्छा, ये टोकरा है। तो ये जो है कुछ ज़बरदस्त किस्म की जो है यहाँ पे पैकेजिंग है। अच्छा ठीक है, सही है जी। और ये हमारी डबल रोटी वगैरह आ गई नॉर्मल, सही है, ज़बरदस्त, ठीक है। तकरीबन पूरी ही कलेक्शन दोस्तों हम लोगों ने देख ली इतनी देर में। उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए मैं वहाँ खुद रुक ही नहीं रहा। अच्छा, केक्स पे आ जाते हैं हम लोग। ये डबल रोटी पापे तो आप लोग जो है देखते ही रहते हैं। केक जो है ये, इसका फ्लेवर बताइएगा कौन सा? कॉफ़ी है ये? इसकी प्राइस क्या है? एक पाउंड का है ना? अच्छा, और ये वाला फ्लेवर कौन सा है? आइस केक है ये? अस्सलाम वालेकुम, आइस केक है ये जी? आइस केक। इसकी प्राइस क्या है? पाइनएप्पल फ्लेवर। अच्छा, कितने पाउंड का है और प्राइस क्या है इसकी? ये 4 पाउंड साइज है। 4 पाउंड का है? अच्छा, 4 पाउंड साइज है। अच्छा अच्छा, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसकी क्या प्राइस है? इसके तकरीबन 2000। सही है, बाय वेट देते हैं। बाय वेट देते हैं, ओके ओके। पाउंड के हिसाब से नहीं? अच्छा 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 अच्छा, सही है जी। तो दोस्तों ये जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है ये वाला डिपार्टमेंट भी। और ये आ गए हमारी ब्राउनीज वगैरह ना, तो इसके, अच्छा इसके प्राइस इसमें भी मेंशन नहीं है, तो वो आप हमें आइडिया के लिए बता दें। ये वाला कितने का है? ये 400 रुपये का। 400 रुपये का है, ठीक है। तकरीबन आधा किलो से तो कम लग रहा है मुझे, एक पाव से ज़्यादा है, ठीक है जी। तो जी ये तकरीबन यहाँ पर आ गए, पूरा का पूरा हमने इनका जो है विज़िट कर लिए शॉप, जितनी वैरायटी थी केक से लेके मिठाइयाँ, बिस्किट्स और
पैकेजिंग का एक एक सामान जो है मैंने आपको दिखाया। तो चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया। ओके भाइयों, थैंक यू। सही है, अलग हैं। अच्छा, कुछ मजीद बच्चे बच्चे कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या चीज़ लेने के लिए आप लोग यहाँ पर आते हैं और क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको यहाँ पर? यहाँ की ब्रेड, यहाँ का वैसे तो ओवरऑल हर चीज़ अच्छी है जी, लेकिन ब्रेड यहाँ की खास तौर तो मैं डेली लेने आता हूँ। हाँ, देसी घी की ना खुशबू सी आती है इनकी एक एक चीज़ में, चाहे वो पापे हो या डबल रोटी हो। जहाँ बहुत अच्छी, अच्छा टेस्ट डिशेज, और वैसे तो ओवरऑल इनकी हर प्रोडक्ट अच्छी है, फ्रेश होती है ना एक एक चीज़। और बच्चों, क्या नाम है बेटा आपका? बड़ी प्यारी सी है माशाल्लाह से। मेरा नाम फाइक है। फाइक, अबे यार तुम मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हो, मुझे लग रहा है चश्मा लग गया है ना, देख रहे हैं, ये तजर्बा है दोस्तों मेरा। और बेटा आप क्या नाम है आपका? फातिमा। माशाल्लाह, कौन सी क्लास में हो? सिक्स क्लास। चलें जी, थैंक यू सो मच। कराची लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल जी। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? मैंने सुना था यहाँ पे किसी और का यूट्यूब चैनल भी है, देखते हैं, हर जगह भाई यूट्यूबर मिल जाता है यार, तारुफ करवाता हूँ मैं आप लोगों का। आइए प्लीज़, आइसक्रीम भी खाते रहेंगे और बातें भी करते रहेंगे, वरना इंटरव्यू तो भाई सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं, आइसक्रीम जो है ना ये पिघल जाएगी, ये इंतज़ार नहीं करेगी हमारा। तो क्या नाम है सर आपका? प्लीज़ यहाँ पर आ जाए, क्योंकि कैमरा जो है ना वहाँ नज़र आ रहा है। आ जाए ना, प्लीज़ आ जाए ना। और क्या, क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद जीशान चौपर। जीशान भाई क्या करते हैं यहाँ पे? तो खैर आप होते ही हैं वैसे, यहाँ पे इसके अलावा क्या करते हैं? यहाँ पे मैं भी छोटी मोटी व्लॉगिंग कर लेता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, लेकिन छोटा सा चैनल है, इतना बड़ा नहीं है। अरे सब छोटे से ही ऊपर आते हैं जी। आपको पहली मंजिल पे जाना होगा ना तो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, जम लगा के जाएंगे तो गिर जाएंगे। जी जी, क्या ख्याल है? एकदम जहन में आया, डायलॉग आता नहीं है। तो अपने चैनल का नाम बता दें यार। मोहम्मद जीशान चौकत के नाम से, और छोटी मोटी कंटेंट क्या है आपका? बस यही, अभी तो फिलहाल मैंने यहीं से स्टार्ट लिया है। अच्छा, जैसे आपने अभी मिठाइयों का बताया तो मैं भी इसी से ही लेके बता रहा होता हूँ। आपके तो समझ लें घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है, कि मुस्तकिल आप यहाँ पर ऐसी जगह पर हैं जी, कुछ ना कुछ रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आती हैं आपको, और थोड़े पिकनिक पॉइंटों की थोड़ी सी वीडियोज बनाइए जी। चलिए जी, आप लोग चैनल देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। और आप कैमरा मैन हैं जी? चलिए जी, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।